एग डोनेशन। IVF का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें डोनर के अंडे यूज किए जाते हैं। इसमें एक बच्चा पैदा कर सकने की क्षमता वाली महिला दूसरी महिला जो इनफर्टिलिटी से परेशान है उसे बच्चे पैदा करने के लिए अंडे डोनेट करती है। ये सेवरल फेजेस में डिवाइड हो सकते हैं, सेलेक्शन एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द डोनर। एग डोनर वो यंग लेडीज होती है जो डिसाइड करती है एग डोनेट करने को, उन महिलाओं को जिन्हें जरूरत होती है। एग डोनेट करने से पहले कुछ टेस्ट करने होते हैं जिससे कंफर्म हो सके कि जो डोनर है वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी है और उसके एग्स डोनेट कर सकती है। डोनर की एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। डोनर को किसी चीज़ की आदत ना हो जैसे कि सिगरेट और ड्रिंक। माइंड में हमेशा पार्टनर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना चाहिए जिससे कि रिजल्ट अच्छा मिले। एक बार जब एग डोनर सेलेक्शन हो जाता है तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि हम सेम टाइम में उसका पिकअप कर सके और उसके अंडे निकाल सके और डोनर एग यूज़ कर सके। ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन। जब डोनर का स्टिमुलेशन मतलब इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तभी रिसिपिएंट की एंडोमेट्रियम को भी प्रिपेयर किया जाता है। मेडिसिन और इंजेक्शन देकर पेशेंट की एंडोमेट्रियम को अच्छा बनाया जाता है ताकि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा सके। 3-4 दिन बाद USG के साथ चेक किया जाता है पेशेंट का एंडोमेट्रियम बन रहा है या नहीं। उसके बाद पेशेंट को वेट करना होता है जब तक डोनर का पिकअप ना हो जाए। एग कलेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। डोनर के एग्स एग कलेक्शन के थ्रू निकाले जाते हैं और वो IVF लैब में माइक्रोस्कोप में चेक किए जाते हैं ताकि उन्हें फर्टिलाइज किया जा सके। 4-5 आवर्स के बाद एक एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है एक अंडे में और फिर उन्हें कल्चर मीडिया में रखा जाता है इंक्यूबेटर में, जो उनके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर कंडीशन एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। 18-21 आवर्स बाद एग को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर फर्टिलाइज हुए हैं या नहीं। एम्ब्रियोज को कल्चर डिश में रखा जाता है 5 तक जब तक ब्लास्टोसिस बनता है और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन पेशेंट को बुलाया जाता है और उसे एम्ब्रियोज के बारे में बताया जाता है कि उसके कितने एम्ब्रियोज बने हैं और क्या क्या ग्रेडिंग है, और फिर पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कराने हैं, 1, 2 या 3। और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। कैथेटर सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में जिससे कि एम्ब्रियोज को एग्जैक्ट पोजीशन पर रखा जा सके। ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड स्कैन के साथ किया जाता है जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि एम्ब्रियोज हम कहाँ डाल रहे हैं। ट्रांसफ़र के 4-5 घंटे बाद पेशेंट फिर से अपने घर जा सकता है और ज़्यादा भारी काम ना करके हल्का काम कर सकता है। फिजिकल और रिस्क एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी होती है पेशेंट को। और फिर 12 से 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है पेशेंट की प्रेगनेंसी चेक करने के लिए।